अगर सुनना पैसे से अगर भूख खरीदी जा सकती होती तो आज दिल्ली बंबई कलकत्ता का कोई आदमी परेशान नहीं होता है। पैसे से अस्पताल खरीदी जा सकती है लेकिन पैसे से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती होती तो ना अंबानी मरते, ना बिरला मरते, ना जमशेदजी टाटा मरते। पैसे से आप अस्पताल खरीद सकते हैं, जिंदगी नहीं खरीद सकते। पैसे से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, पैसे से नींद खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है लेकिन पैसे से भूख तो हमको मिल सकती है। भूख क्या होती है इस झाबुआ से अच्छा कौन जानेगा। मैं तो गांव-गांव में घूमा हूं और जब दिन भर सुबह से शाम तक अभी विपुल भाई हम सब चर्चा करते आ रहे थे, गांव-गांव मोटरसाइकिल से घूमते थे, महेश जी भी हमारे साथ जाते थे और जब दिन भर परेशान होकर आते थे तो अगर सूखी रोटी भी मिलती थी तो लगता था 56 हो गए। मैंने इसलिए कहा याद रखना, कोई फिल्म अच्छी नहीं होती। हम अच्छे मन से देखे तो फिल्म अच्छी लगती है, हम भूख में हो तो रोटी अच्छी लगती है। ये कहानी भी अगर आप पसंद होकर सुनेंगे, मस्ती में सुनेंगे, बहुत संक्षेप में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आइए ताली बजाते हुए मेरे साथ इस लाइन को जरूर गाइएगा। सुन रे भाई गंगा कैसे धरावे, अश्वमेध राम के पूर्वज, राम के पिता।